मुझ में न पाए थकान तो खुद ही थक गए। लोग कह सके किस मिट्टी का बना हुआ है, बता दो दुनिया को मैं उस मिट्टी का बना हुआ हूं जो जीतना जानता है, जो हारना नहीं जानता, मैं उस मिट्टी का बना हुआ हूं। थकना नहीं है, इसलिए मैं कभी भी कमजोरी की बात नहीं करता। तो ये कोशिश करता हूं इस कौम को जगाने के लिए, इसकी ताकत देने के लिए वो सूत्र कहने पड़ेंगे जिससे आदमी की जिंदगी महके, और जो डराए डरा डरा कर कहे ये वाली चीज ले लो बस अब तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, घंटियां गले में बांध रखी लोग। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो बताएंगे नजर दूर ठीक हो जाएगी, नजर लगी भी है कुछ घर पर किया वो ठीक हो जाएगा, और फैक्ट्रियों को ऑर्डर दे रखे ये काला धागा बनवाना तुमने 2 रुपए में वहां बनता है, 100 रुपए में 101 में वो बेचते हैं, फैक्ट्री वाले बनाते हैं वहां भी वो जूते पहन पहन करके उस धागे को बनाया जाता है, उसको जो ट्रकों में लाद के आगे भेज दिया जाता है। आदमी टीवी पर विज्ञापन कर रहा है इस धागे को बांधते ही एक पूरा पर्चा बना रखा है, उसे पढ़ पढ़ करके आदमी सोचता है सच में अभी सारी समस्या दूर हो गई। किसी की समस्या दूर नहीं होती, उसी की समस्या दूर हो रही, उसके पैसे खूब बन रहे। ऐसी मूर्खता की बातों में मत, हालांकि ऐसा कहने में फायदा बहुत है, मुझे भी 4-5 ऐसी बातें कहनी चाहिए थी, आप लोग लाइन में लग करके पैसे जमा करा। फायदा इसी में लोगों को, लेकिन मैं एक बात जानता हूं अगर इस गद्दी पर बैठ गए और भगवान से अपना मन जोड़ दिया, शुरू में प्रार्थना करते हैं ना हम लोग, वो प्रार्थना करने का मतलब होता है कि मैं तेरे साथ तेरे चरणों के साथ अपने हृदय को जोड़ रहा हूँ, अब तू जो कहलवाना चाहता वो कहलवा, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है, जो कुछ है तू ही है और तेरा ही दिया हुआ आगे पहुंचा। अगर दिल वहां से जोड़ दिया तो फिर आदमी गलत नहीं हो जाता, सच्ची बात करे। और हमें किसी से क्या लेना भाई, आप दोगे मुझे मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए। और भारत वैसे भी इतना कमजोर नहीं है, भारत तो बांटना जानता है, भारत भिखमंगा नहीं है, ये बात याद रखना हो। पूरी दुनिया में बहुत कली कोई सज्जन मुझे बता रहे थे अमेरिका को किस किस का देना है तो किस किस का कर्जदार है, तो इंडिया का भी 6 नंबर है कि इंडिया का भी कर्जदार है अमेरिका। दम है, ऐसी बात नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत दम है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी से, ये डर हटाइए दिमाग से, विश्वास रखो किसी के और के करने से कुछ नहीं होगा, जो होगा तो आपके करने से होगा। एक घर में हम लोग गए हुए थे तो बड़ा सुंदर घर, नया नया उन्होंने बनाया, बाहर उन्होंने टायर लटकाया हुआ था उसके ऊपर। मैंने कहा ये क्या है, बोले नजर के लिए लगा रखा है, नजर ना लगे। मैंने कहा टायर में तो बहुत दम है, पूरी नजर रोके बैठा एक अकेला टायर। थोड़ी देर के बाद उसकी बहू आई, बोले मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, इसको नजर बहुत लगती है। तो वो महिला भी बोलने लगी, सास जो थी, बेटे को सच में पोते को हमारे आशीर्वाद दो, कोई जो है नजर वजर न लगे। मैंने कहा छोटा टायर इसके लिए भी ला। बोले आप कैसी बात करते, मैंने कहा छोटा मिल जाता है टायर, बच्चों की गाड़ी का हो या उससे भी छोटा हो, खिलौने वाले टायर लगाओ गले, जब इतने बड़े घर की नजर को रोक सकता है तो ये टायर बच्चे का भी रोकेंगे। बोले आप तो हंस रहे हैं, मैंने कहा तो हंस रहा हूं तो काम की बात बता रहा हूं। प्रार्थना करने के बाद, सुबह पूजा करने के बाद दिया जो जलाते हो उस दिए पर हाथ लगा करके, या आरती वाला दिया हो, और उसके बाद अपने पोते के सिर पे हाथ रखना और कहना भगवान मेरा बच्चा तेरी पनाह में है, कृपा का हाथ रखना,
मेरे खानदान का नाम ऊंचा करे और तेरा नाम इसकी जबान पर बसे। मैंने कहा इतने से जो कुछ हो जाएगा दुनिया में कोई नहीं कर सकता, माओ के आशीर्वाद कम होते हैं। लेकिन डराने वाले हैं, कोई टायर लटका रहा है, कोई न जाने क्या क्या लटका रहा है। और जो कमजोर कौम होती है या फिर जिस देश में डेवलपमेंट अभी शुरू हुई है लेकिन डेवलपमेंट पूरे नहीं हो पाई, वहां ये चीजें बहुत ज्यादा। बैंकॉक में मैं गया, इंडोनेशिया में मैं गया, वहां जो मैंने देखा इतने इतनी समस्या। और वहां तो किसी के अंदर हनुमान जी, किसी के अंदर दुर्गा जी, किसी के अंदर पता नहीं, एक के अंदर तो भीम आया हुआ था। भीम अर्जुन तक आते हैं उनके यहाँ। मैंने कहा दुर्योधन भी आता है, बोले आ जाता है कभी। एक आदमी के अंदर हनुमान जी आए, वो उछल उछल के इधर से कूद के उधर जाए, वहां से उछल के उधर जाए, जो गेंदे की मालाएं रखी हुई थी वो खाए, और ऐसे करते करते जो पुजारी थे वो जरा बुजुर्ग से थे, वो जो अगरबत्ती ऐसे ऐसे करके जला रहे थे वो हनुमान जी को लग गई। हनुमान जी जो मतलब जो हनुमान जी में आया हुआ था उनको अगरबत्ती लगते ही एकदम मुंह से गाली निकली, हनुमान निकल गया बाहर। लोगों ने पकड़ा पीटा उसको, क्या बोलता है, पूरा होश में होते हैं लोग, ये ध्यान रखना। और हनुमान जी इनको चुनेंगे आने के लिए, क्यों कमजोर करते हो? भगवान चुनेगा आपके हृदय को। जब आप शांत होते हैं तो आपके हृदय में जब वो बोलता है आपसे बड़े बड़े काम करवाता है, आपको लायक बनाता है। ये उछल कूद से बचो आप, हमें मारने वाला कोई और नहीं, हमारे मारने यही हमें कमजोर कर रहे हैं। और इतने इतने तरह की चीजें करने वाले लोग, इनसे बचिए। भगवान का नाम जपना शुरू करो, नियम अपने बनाओ। तो जिंदगी को मजबूत बनाना है खुद के साथ कठोर बनना, तो जिंदगी आसान बन जाएगी। खुद के साथ नरम बनोगे तो जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। इसलिए अभी से अपने नियम बना लीजिए। अब अगली बात सुनिए और भी ध्यान से सुनना। 15-20 दिन के लिए अमेरिका हो आइए, घर में जो गाड़ी खड़ी हुई आपकी उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, स्टार्ट करने लगो स्टार्ट नहीं होती गाड़ी। तो फिर अपने यहाँ हिंदुस्तान में नियम है, 4 भाई बुलाते हैं, वो धक्का देते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं करते जैसे यूरोपियन लोग है कि वो गाड़ी की जो है बैटरी चेंज कर देते हैं, वहां से निकाल के दुकान पर दे के आएंगे, वहां से नहीं ले आएंगे। अपने यहाँ तो 4 भाई इकट्ठे होते हैं, धक्का देते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद स्टार्ट रहने देते हैं, थोड़ी देर के बाद बैटरी चार्ज हो जाती है, रिचार्ज हो जाती है, गाड़ी चलने लग जाती है। अब इस नियम को याद रखना, ये बात मैं कोई भी बात जब सुनाता हूँ तो मेरे सुनाने का ढंग ऐसा होता है कि जिससे वो कहानी याद रहे और उससे पीछे की बात पकड़ में आ जाए। और वो क्या बताना चाहता हूँ कि आप रोज सैर करते थे सुबह या सुबह एक्सरसाइज करते थे, रोज का नियम था। अब आपको कहीं बीमार पड़ने से या ब्याह शादी में जाने से पार्टियों में जाने से आपका नियम टूट गया और आपकी बैटरी हो गई डाउन। अब मौसम भी ठीक नहीं रहा, अब आपसे कोई कहता है कि सुबह उठ जाया करो, पार्क में चला जाया करो या समुद्र किनारे सैर कर लिया करो, रोज का नियम जो आपका था दोबारा चालू करो, तो दोबारा आप तैयार नहीं हो, मूड नहीं करता। एक बार चीज छूट गई तो छूट गई, कारण क्या है, क्योंकि बैटरी डाउन हो गई। अब बैटरी डाउन हो गई तो उसे रिचार्ज करने का तरीका क्या है, धक्का से जैसे कार स्टार्ट होती है ऐसे ही धक्के से आप भी अपने आप को रोज जबरदस्ती लेके जाओ, पार्क के चक्कर कटवाओ, एक हफ्ता चक्कर कटवा लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू हो जाओगे, फिर रुकने वाले नहीं हो। इसलिए थोड़ा धक्के के साथ अपने नियम जारी रखिए, मन नहीं करेगा तो भी ये समझ लीजिए कि बैटरी डाउन हुई है, रिचार्ज करनी है, लेकिन होगी धक्के के साथ, तो थोड़ा अपने साथ जबरदस्ती कर लीजिए। 2-4 दिन 7 दिन अगर आपने कर लिया तो फिर से आप अपने नियम में आ जाएंगे, इतने मजबूती से आ जाएंगे, फिर नियम छूटने वाला नहीं। और जो लोग
नियम से जुड़ गए, उन्हें फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, बीमारियां उनके पास आने लगी। कार याद रहेगी बाबू को, कार के पीछे जो चीज सुनाई गई वो आपकी पकड़ में आ जाए, आप रेगुलर हो जाए, नियम पूर्वक अपना लगातार डिसिप्लिन अपनाकर जिंदगी को कीमती बनाने में लग जाए। अब अगली बात बताना चाहता हूं, अब इसे ध्यान से समझ सकते। जिन लोगों ने आपको पालने पोसने में अपनी जिंदगी लगा दी, अपने कंधों पर बैठाकर आपको दुनिया दिखाई, अपने मुख का निवाला निकालकर आपको खिलाया, अपना हिस्सा देकर आपको जिंदगी दी, खुद नहीं सोए लेकिन आपको सुलाया, अपने अच्छे कपड़े नहीं पहने लेकिन अपने बच्चों को बढ़िया कपड़े पहनाए, अपना जोड़ जोड़ के तिनका तिनका घर बनाकर दिया, सुंदर कमरा सजाकर बच्चों को दिया, खुद नहीं पढ़ पाए अपने बच्चों को पढ़ाया, उन लोगों की कुर्बानी छोटी कुर्बानी नहीं है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो उनका दिल कभी मत तोड़ना, हो सके उनका आशीर्वाद लेना, लेकिन कभी कड़वा उनके सामने मत बोलना, क्योंकि माँ बाप की दुआओं से बढ़कर दुआ दुनिया में नहीं होती, और माँ बाप का आशीर्वाद जिसके सिर पर रहता है वो कभी दुर्भाग्यशाली नहीं रहता। इसलिए अपने बड़ों की जितनी हो सके सेवा करो, ध्यान रखो उनका। कोई पिता सारा दिन दौड़ता है, मेहनत करता है, अपने खाने का ध्यान नहीं, अपने सोने का ध्यान नहीं, अपने पहनने का ध्यान नहीं, किस लिए दौड़ रहा है? अपने बच्चों के लिए दौड़ रहा है। क्या सपना है उसका? मेरा अपना कोई सपना नहीं, मेरे बच्चे ठीक रहें, खुश रहें, इनके काम पूरे हो जाएं, ये सेट हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, ठीक जगह शादियां हो जाएं, भले ही अपना घर अलग बसा ले जाकर, हमें पूछे ना पूछे लेकिन अपने फर्ज पूरे हो जाएं, ये इच्छा होती है। और बाद में कभी घटने में दर्द हो गया, कभी कमर में दर्द हो गया, कभी बेचारा वैसे बीमार रहता है, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, न जाने क्या क्या, और बच्चों को फुर्सत नहीं, वो बिजी। तो सोचिए, जो मातृदेव भाव कहा गया, पितृदेव भाव कहा गया, वो साधारण बात नहीं है, वो असलियत है। माँ देवता है, पिता देवता है। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए करती है, अपने जिगर का खून देकर अपने बच्चे को पालती है, अपने श्वास में से श्वास देकर उसको जन्म देती है, अपने भोजन का हिस्सा देकर उसे पालती है, अपने अंदर रख करके उसे अपने हृदय की भावनाएं देती है, और फिर अपने बच्चे को पालने के लिए क्या कुछ करती है। सबकी छुट्टी होती है, और माँ की छुट्टी कभी होती नहीं बेचारी, 24 घंटे लगी रहती है, बीमार भी है, बुखार भी है, तो भी काम करती रहे, सब कहेंगे लेट जाओ तो भी थोड़ा थोड़ा उठ करके दवाई खा करके काम करती रहे। कितनी बड़ी कुर्बानी है उसकी, उसकी कुर्बानी को कोई समझता? शादी से पहले माँ बेटी खूब लड़ती रहती है, और शादी हो जाने के बाद फिर बेटी को समझ में आता है कि माँ क्या है, फिर बहुत ध्यान आता है माँ का, तब समझ में आता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या किया। उस समय तो सारा दिन माँ का ही ध्यान आता है, किसी की माँ न रहे, बेटा उतना नहीं रोता जितने की बेटी रोती है, उसे लगता है कि जब तक माँ थी मायका था, माँ के कारण मायका था, अब तो ये मायका नहीं रहा, मेरा घर छिल गया, क्योंकि अब तो ये भाई भाभी का घर हो गया और हम उस घर के मेहमान हो गए। अब तक आते थे तो अधिकार से आते थे, अब जाएंगे तो भाई भाभी के घर जाएंगे। सोचिए, ये रिश्ते साधारण रिश्ते नहीं है। भगवान चुनकर
जन्म देता है, माँ बाप देता है, स्वीकार वो करता है, वो रिश्ते बनाता है और निभाने की जिम्मेदारी इंसानों को देता है कि अपने माँ बाप की सेवा करो। इसलिए मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ कि जब दुनिया बनी थी, भगवान ने इंसान को धरती पर भेजा, तो भेजते समय उसको भगवान ये बताते जा रहे थे तूने 100 साल तक जीना है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ करनी है, अब मकान भी बनाएगा, जमीन जायदाद भी तेरी होगी, कर्म भी अपना करेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, सुरक्षा करनी पड़ेगी खुद की, बीमारियों से जूझना पड़ेगा, न जाने कितने कितने काम तेरे पास है। तो उसने कहना शुरू कर दिया, भगवान मुझे तो कोई जानता नहीं, मैं जब धरती पर जाऊंगा तो मुझे पहचानने वाला कोई होगा। बोले तू नहीं किसी को पहचानेगा, लेकिन तुझे पहचानने वाले हैं, वहां 2 फरिश्ते मैंने भेजे, वो तुझे बार बार बताएंगे हम हैं हम हैं हम हैं, वो पहचान कराएंगे। बोले डॉक्टर मैं बीमार पड़ जाऊं, बोले डॉक्टर भी 2 फरिश्ते होंगे, वो तेरा इलाज करेंगे। तो इसने फिर कहा कि मेरी सुरक्षा करने के लिए कोई दिन में कोई रात में चौकीदार हो। बोले रात दिन के 2 चौकीदार होंगे, वो भी 2 फरिश्ते। इसने कहा कोई जमीन जायदाद देने वाला ऐसा कोई आदमी, उदार दिल का कोई दानी आदमी मिल जाए, बोले 2 फरिश्ते भेजूंगा, वो इतने बड़े दानी होंगे, मुझे बहुत कुछ देंगे। बोले मैं पढ़ना चाहूंगा तो मुझे कोई पढ़ाने वाला होगा, बोले उसके लिए भी 2 फरिश्ते होंगे। ये जो भी बोलता गया तो भगवान कहते गए कि हाँ तेरे लिए 2 फरिश्ते भेजूंगा। तो इसने कहा एक अकेले के लिए कितने फरिश्ते होंगे, ये तो सैकड़ों हो गए, मेरे काम तो बहुत है। भगवान ने कहा सैकड़ों कामों को करने वाले भी 2 ही फरिश्ते होंगे, 200 नहीं होंगे। बोले उनका नाम भी तो बताइए। तो भगवान ने कहा एक का नाम माँ है और दूसरे का नाम पिता है। वो तुम्हारी देखभाल करें।